हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए हम लेकर आए हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होने वाली है और वो भी नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, हमारे साथ बने रहें। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है, अब यहाँ भी 80-20 हो सकता है दोस्तों या हो जाएगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 21 सितंबर को, जिसमें था गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि रेल मंत्रालय से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जो कि नर्सिंग स्टाफ के रिगार्डिंग था और निकाला गया था प्रेसिडेंट चीफ मेडिकल डायरेक्टर ऑल इंडिया रेलवे। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन था, इसमें क्या है वो हम आपको पूरा बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नर्सिंग स्टाफ वर्किंग इन रेलवे। तो रेलवे के अंदर अभी कितना नर्सिंग स्टाफ वर्किंग में है, यहाँ पर ये मांगा गया था। साथ में यहाँ लिखा गया है, प्लीज़ प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू दिस ऑफिस इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा गिवन ब्लो। तो यहाँ पर एक परफॉर्मा दिया गया है जिसमें लिखा गया है नेम ऑफ जोन, आपका कौन सा जोन है और वहाँ पर मेल नर्सिंग स्टाफ कितने हैं और फीमेल नर्सिंग स्टाफ कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर और लिखा गया है, मैटर में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट एंड शुड रीच दिस ऑफिस बाय 23/9/2022। तो यहाँ पर जो है 23/9/2022, मात्र 2 दिन के अंदर यहाँ पर ये डिटेल मांगी गई थी, क्योंकि यहाँ डिटेल मांगी गई है। पहली बात तो ये जल्द ही स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज़ होने वाली है, इसलिए यहाँ पर ये डिटेल मांगी गई है कि कितनी अब रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए। दूसरा दोस्तों, साथ में यहाँ पर मेल नर्सिंग स्टाफ और फीमेल नर्सिंग स्टाफ का जो रेशो है वो बराबर चल रहा है या नहीं, वो रेशो चेक करने के लिए यहाँ पर दोनों का अलग अलग मांगा गया है। दोस्तों, आई होप कि ऐसा नहीं हो कि रेलवे में 80-20 हो जाए, लेकिन इसके अनुसार जिस तरह इनका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि मेल नर्सिंग स्टाफ और फीमेल नर्सिंग स्टाफ की अलग अलग क्वांटिटी बताई जाए, तो आगे हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर एक बुरी खबर आए कि रेलवे में भी 80-20 हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ये न्यूज़ थी जो हमने बताना इम्पोर्टेंट समझा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर हैं और दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको इन केस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।